जय फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि पीएससी में क्या क्या अलार्म आता है और अलार्म को रीसेट कैसे करते हैं, ठीक है, और ठीक कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलार्म आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अलार्म आया हुआ है। ठीक है, पीएससी में अलार्म तभी आता है जब उसमें कोई फॉल्ट होता है या कोई ये इक्विपमेंट जो कोई पार्ट होता है वो फॉल्टी हो जाता है, तभी अलार्म आता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्प्ले को समझते हैं। दो तीन कंपनी के पीएससी का जो डिस्प्ले है उसको दिखा देते हैं आपको। ये हमारा स्टूज का है, इस पे अगर अलार्म आता है तो उसको रिसेट करने के लिए यहाँ से क्लिक करके, जैसे 3 यूनिट है तो उस पर क्लिक करके और इसको रिसेट पर प्रेस करके रखेंगे, 5 से 7 सेकंड के लिए कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो वो रिसेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको शो कर, जैसे देखिए हमारा लो प्रेशर सर्किट दिखा रहा है, मतलब कि जो जो दो सर्किट है या सिंगल सर्किट है उसमें गैस कम हो गया है तो लो प्रेशर का अलार्म आया, तो यहाँ पे घंटी पे रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा है। बीप का अलार्म आएगा तो उसे रेड करने की प्रेस करके रखिए, 5 से 7 सेकंड तक ये रिसेट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर नहीं रिसेट हो रहा तो उसको आपको चेक कराना पड़ेगा। आप समझते हैं कि पीएससी में अलार्म कौन कौन सा आता है। सबसे फर्स्ट जो अलार्म आता है वो आता है ज्यादा करके, अधिकतर आते हैं ठंडी के दिनों में, लो प्रेशर का। लो प्रेशर को शॉर्ट में एलपी बोलते हैं और हाई प्रेशर को शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। ये अलार्म रेफ्रिजरेंट का अलार्म होता है। जहां तक आपको सरल भाषा में समझा जाए तो इंडोर से आउटडोर तक जो सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन में जो गैस हमारी घूमती है, रेफ्रिजरेंट जो हमारा घूमता है, वो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि जिस तरह हम लोग घर में सिलेंडर रखते देखें गैस जम जाता है, तो उसी तरह का गैस जम जाती है, जिससे उसकी मतलब की थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें एलपी का अलार्म आने लगता है। गैस रहेगा तभी एलपी का अलार्म आएगा, रिसेट कर देंगे थोड़ी देर के बाद में वो जब गैस सर्कुलेट होता है तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा करके ठंडी के दिनों में होता है। हाई प्रेशर ये गर्मी के दिनों में आता है जब गैस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और लो प्रेशर तब आता है जब ठंडी के दिनों में गैस जम जाता है या लो रेफ्रिजरेंट कम हो जाता है या लीकेज होता है, तब एलपी का अलार्म आता है। उसे चेक करने के लिए हम लोग गेज से क्या करते हैं, प्रेशर को चेक करते हैं। जो प्रेशर से जो चेक करते हैं उसको जो पीएसआई जो वैल्यू होता है 150 से 200, कहीं 250 तक, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी दूर तक सर्किट है, उतने के हिसाब से पीएसआई को मेंटेन करते हैं हम लोग। सेकेंड जो अलार्म आता हुआ था लो वाटर प्रेशर का। पीएसई यूनिट में ह्यूमिडिटी फायर टैंक लगा होता है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। ह्यूमिडिटी फायर टैंक का काम होता है कि जब ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो रहा तो ये ह्यूमिडिटी को ही मेंटेन करने लगता है। ये क्या करता है, बैलेंस करता है टेम्परेचर के कूलिंग के साथ, ये ह्यूमिडिटी को बैलेंस करता है। उसके लिए उसमें दो पार्ट लगा होता है, एक लगा होता है डी ह्यूमिडिटी फायर, दूसरी भाषा में समझे तो उसको हीटर कर सकते हैं आप, और ह्यूमिडिटी फायर टैंक। ह्यूमिडिटी फायर टैंक में क्या होता है कि बाहर से एक लाइन जोड़ी होती है वाटर की। ठीक है, अब वाटर का जब पीछे से सप्लाई बंद हो जाएगा तो लो वाटर प्रेशर अलार्म शो करता है। ठीक है, या इतनी प्रेशर ना है जिसके कारण क्या कि यूनिट तक हमारे ह्यूमिडिटी फायर टैंक तक, क्योंकि ह्यूमिडिटी फायर टैंक क्या होता है कि पीएसी यूनिट में होता है, पीएसी यूनिट थोड़ा सा हाइट पे होता है क्योंकि राइज फ्लोरिंग के ऊपर होता है, तो उसमें क्या होगा वाटर की जो प्रेशर होता है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या कि इसमें प्रेशर ना होने के कारण क्या होता है सिलेंडर वाला उसका खुलता है तो प्रेशर नहीं आता है। तो ये सेंस करके बता देता है कि भाई लो वाटर प्रेशर है, मतलब कि वाटर है नहीं या प्रेशर आपका वो है, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं कि भाई बताएगा पानी ही नहीं है, ये बता देता है कि फ्लो से ये आपका जो प्रेशर है वो लो है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है तीसरा आपका आता है आईसीसी कंप्रेसर का। आईसीसी कंप्रेसर का जब अलार्म आता है जब आउटडोर के जो फैन में कुछ फॉल्टी हो जाता है या उसके कंप्रेसर में इशू आता है तो भी आईसीसी कंप्रेसर का अलार्म आता है। ठीक है, या कंप्रेसर फॉल्ट होता है तो बेसिकली ये कंप्रेसर फॉल्ट होने पे ही आईसीसी कंप्रेसर का अलार्म आता है। चौथा जो अलार्म है वो आता है फैन अलार्म। आउटडोर पे जो हमारा फैन लगा होता है वहां पे जो फैन है उसमें उसके टरबाइन टूट गया या फंस गया, कुछ फॉल्ट हो गया या ये जल गया, फूंक गया, कुछ भी हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपका ये अलार्म आएगा फैन का अलार्म। ब्लोअर पे ब्लोअर इसको बोलते हैं, ब्लोअर इसको बोलते हैं इसी फैन। ठीक है, ये जो अगर ब्लोअर का फैन में भी कोई इशू आता है तो भी इसका अलार्म आपका शो करता है। पांचवा आता है अलार्म, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि हम लोग खुद ही मेंटेन करते हैं उसको, वो आता है डर्टी फिल्टर अलार्म। जो हमारे यूनिट के ऊपर जो जो इवेपरेटर के ऊपर कूलिंग कॉइल के ऊपर आपने जो देखा होगा कि जहां से रिटर्न लेता है वहां पे लगा होता है जिग जैग फिल्टर, इस तरह का फिल्टर लगा होता है। अगर फिल्टर डर्टी होता है तो इसमें फिल्टर सेंसर लगा होता है, वो आपको अलार्म शो कर देता है कि भाई फिल्टर डर्टी है। उससे क्या होगा कि आपके जो पीएससी यूनिट है उस पर सीएफएम का जो फ्लो होता है उसका कम हो जाता है, पीएससी साउंड करने लगता है। तो ऐसे भी आप जाके आपको पता चल जाएगा कि पीएससी यूनिट का जो फिल्टर है वो चौक हो गया है। उसे करने के लिए आप ब्लोअर से साफ कर सकते हैं या उसको जेड स्प्रे पाइप से थोड़ा सा कम ही प्रेशर रख के इसको वॉश कर सकते हैं आप। पांच छठा आता है आपका
ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी अलार्म एंड लो ह्यूमिडिटी अलार्म। ठीक है, ह्यूमिडिटी अलार्म अगर तब आता है जब अब टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी बैलेंस नहीं हो पाता है। अब जैसे कि हमारा ह्यूमिडिटी फायर मेंटेन कर रहा है, अब ये क्या हुआ कि डी ह्यूमिडिटी फायर जो हीटर होता है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा तब भी आएगा। जैसे 60 से 70 आया हमारा, इस तरह गेज आता है ह्यूमिडिटी कुछ मेंटेन चेक करने के लिए, तो ये 65 जो हमारा ह्यूमिडिटी परसेंट 65% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, तो क्या है कि ह्यूमिडिटी दिखा दिया कि आपका जो एयर है उसमें 65-60% तो 65% पानी है, उसमें ह्यूमिडिटी आर्द्रता की मात्रा है। उसे क्या हुआ, तुरंत सेंस करके वो अलार्म देगा, अरे भाई साहब बीच में तो हाई ह्यूमिडिटी है, तो अलार्म आएगा, उसका भी अलार्म आता है। लो ह्यूमिडिटी होता है उसका भी अलार्म आता है। क्यों, ह्यूमिडिटी फायर तो चलता रहेगा बट ये एक्टिवेट नहीं होगा, आपका ह्यूमिडिटी फायर टैंक काम नहीं करेगा, तो ये ज्यादा करके लो ह्यूमिडिटी का अलार्म आता है। आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन अलार्म, सातवां होता है कम्युनिकेशन अलार्म। कम्युनिकेशन का क्या होता है, इंडोर से लेके आउटडोर के बीच में कोई ट्रबल शूटिंग होता है, जैसे पावर की सप्लाई कट गया, ठीक है, या कुछ भी अगर जिसकी कम्युनिकेशन इशू, जैसे उसकी कनेक्शन हट जाता है, तो उसका भी अलार्म आता है। दूसरा का नंबर, एक चीज और का अलार्म आता है, आपके जो पीएसी यूनिट टूटे होता है उसमें क्या होता है कि बीएमएस प्रोटोकॉल्स होता है, जो क्या होता है कि बीएमएस पे एक सर्किट जाता है, उसमें कोई भी आपका इशू आता है या अलार्म आता है तो आपको बीएमएस पे ये शो करता है। ठीक है, बीएमएस पे क्या होता है कि आपका पीएसी यूनिट का अलार्म है, उस पे जाके आपका शो करता है, आप वहां से उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें भी आपके कोई सर्किट जो चार्जर 45 से सर्किट से कनेक्शन करके लूप किया हुआ, अब क्या वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो भी आपका अलार्म शो करेगा कि भाई ये अलार्म मतलब कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पीसीओई, ठीक है, ये इस तरह का जो आई जाता है ना, तो ये जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसका भी अलार्म आएगा कि भाई ये डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये बीट का भी अलार्म आता है। ठीक है, ये अलार्म बहुत तरह का होता है, मैं लास्ट में कोड इसका दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अलार्म आता है वो आता है पावर सप्लाई ट्रबल शूटिंग का, जबकि इसको हमें फर्स्ट में रखना चाहिए। ये जो है अलार्म तब आता है जैसे कि हमारे आर वाई बी फेज आ रहा है, वो रिवर्स हो गया, तो वो फेज सिक्वेंस रिवर्स का अलार्म आएगा। ठीक है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, उसके बाद में शॉर्ट सर्किट, ये सब जो आता है तो उसका भी आता है। आज बार बार पावर फ्लक्चुएट होता है, उससे भी आपका कंप्रेसर कप पे फूकने का डर बढ़ जाता है, कॉन्टेक्टर जो है वो मतलब कि ज्यादा खराब होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसे भी आपको सेफ रखना चाहिए। तो पावर सप्लाई ट्रबल शूटिंग का भी अलार्म आता है। उसके बाद में हम लोग समझते हैं कि जैसे हमने आपको दिखाया 1 से 9 तक लेके इतने सारे अलार्म होते हैं, तो कुछ पीएसई सिस्टम में जो अलार्म कोड है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद के लिए।